दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेहतरीन इंडियन फिल्म और टेलीविज़न एक्टर की बायोग्राफी और लाइफस्टाइल के बारे में जिन्होंने अपने हर किरदार के जरिए सभी का दिल जीता था। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में अनुपम शाह की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों अनुपम शाह का जन्म 20 सितंबर 1957 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। इनकी उम्र 2021 में 63 वर्ष की थी। प्रोफेशन से ये एक एक्टर थे। इनका पूरा नाम अनुपम शाह ओझा है। दोस्तों अनुपम ने कई भारतीय फिल्मों और कई टेलीविज़न सीरियल्स में काम किया था। यह एक कमाल के एक्टर थे और इन्होंने अपने हर किरदार को बड़ी बखूबी से छोटे और बड़े पर्दे पर निभाया था। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अनुपम शाह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। इनकी उम्र 63 वर्ष की थी। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अनुपम के शरीर के बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इसी कारण से उनका निधन हो गया है। तो आइए दोस्तों एक नज़र डालते हैं इनके करियर पर। तो दोस्तों इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में सरदारी बेगम फिल्म से की थी और इसके अलावा इन्होंने कई और भी फिल्मों में काम किया था जिनकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इन्होंने कई टेलीविज़न सीरियल्स में भी काम किया था। इन्होंने अपनी टेलीविज़न डेब्यू 1995 में अमरावती की कथाएं से किया था और इसके अलावा इन्होंने कई और भी टेलीविज़न सीरियल्स में काम किया है जिसकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इन्हें सबसे ज़्यादा पहचान प्रतिज्ञा टीवी सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह के रोल से मिली थी। अब दोस्तों जानते हैं इनके फिजिकल स्टैट्स एंड मोर के बारे में। तो दोस्तों हाइट इनकी अप्रॉक्स 5 फीट 7 इंचेस थी। वेट की बात करें तो वेट इनका अप्रॉक्स 65 किलोग्राम था। अब दोस्तों जानते हैं इनके फैमिली और वाइफ के बारे में। तो दोस्तों इनके वाइफ का नाम सावित्री सिंह ओझा है। अब दोस्तों जानते हैं इनकी सैलरी और नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों इनकी सैलरी पर एपिसोड 60 to 70,000 रुपीज़ ये पर एपिसोड चार्ज करते थे और दोस्तों इनकी नेटवर्थ 2021 में 1 करोड़ इंडियन रुपीज़ थी। तो दोस्तों ये थी अनुपम शाह ओझा की कंप्लीट बायोग्राफी और लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।